अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S20 के बारे में, जो कि सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइस है। और ये नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिलेगी, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही जनवरी या फरवरी में हमें ये डिवाइस देखने को मिलेगी। और उसके बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम S21 की सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमें तीन डिवाइसेज देखने को मिलेंगी। जी हाँ, तीन डिवाइसेज। और सबसे पहले डिवाइस जो है वो है S21, और जो दूसरी डिवाइस है वो S21 Plus, और तीसरी डिवाइस जो है वो है S21 Ultra। और यहाँ पर जो S21 Ultra है वो बहुत ही कमाल डिवाइस होने वाली है। तो अब बात कर लें कुछ मेन फीचर्स की जो कि हमें इस सीरीज में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर जो कि बहुत ही कमाल होने वाला है वो है S Pen की सपोर्ट। जी हाँ, अब हमें एस सीरीज में भी S Pen की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही कमाल फीचर है। लेकिन S Pen हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप S Pen को यूज करना चाहते हैं तो आपको उसे सेपरेट से परचेज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि हमें डिवाइस में कहीं भी किसी भी तरह का कोई होल देखने को नहीं मिलता जहां पर हम अपने S Pen को प्लेस कर सकें। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट से केस देखने को मिलेगा कि जब आप S Pen को परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको वो केस देखने को मिलेगा। अब वो केस किस तरह का होगा इसके बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो केस मोबाइल फोन का हो। तो जैसे ही आप उस केस को अपने मोबाइल फोन के साथ यूज करेंगे तो उस केस में आपको कोई होल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप अपने S Pen को स्टोर कर सकते हैं और इजिली आप कहीं पर भी जाकर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें S20 Ultra देखने को मिलेगा। इसके अलावा और जो मजीद फीचर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें डिस्प्ले की। तो यहां पर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा S21 में वो होगा 6.2 इंचेस का फुल HD+ LTPS AMOLED डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। अगर हम बात करें S21 Plus की तो उसमें हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो 6.7 इंचेस का होगा। और उसके अलावा जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो सारी S21 वाली होगी। फुल HD+ डिस्प्ले होगा, LTPS होगा, और उसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर बात करें S21 Ultra की तो वहां पर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो होगा 6.8 इंचेस का फुल HD+ LTPO डिस्प्ले के साथ। ये LTPO डिस्प्ले क्या है, यहां पर एक मजीद लेयर को ऐड किया गया है, ये भी AMOLED डिस्प्ले ही होगा, जिसका मतलब यह है कि हमें जो कलर स्कीम है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। और उसके अलावा यहां पर जो पीक ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स तक हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि उससे पहले हमें S20 Ultra और Note 20 Ultra में 1400 निट्स तक देखने को मिली थी, उसे अब बढ़ा के 1600 निट्स तक कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर हमें Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर बात कर लें वन UI की तो यहाँ पर जो वन UI देखने को मिलेगा वो होगा 3.1, जो कि Samsung का लेटेस्ट UI है। और उसके अलावा अगर बात करें चिपसेट की तो यहाँ पर हमें जो चिपसेट देखने को मिलेगा वो होगा Snapdragon का 875, जो कि सक्सेसर है Snapdragon 865 का। और उसके अलावा यहाँ पर हमें Exynos 2100 भी देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में रहते हैं। अगर बात कर लीजिए एशिया की तो एशिया में Samsung हमेशा से ही Exynos के प्रोसेसर के साथ आती है, और यहाँ पर जो Exynos के चिपसेट को यूज किया गया है उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया गया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि Exynos के बेंचमार्क स्कोर्स जो हैं वो Snapdragon से बहुत ही ज्यादा हैं। अब ये तो हमें तभी पता चलेगा कि कौन सा चिपसेट ज्यादा बेटर है कि जब ये डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल होंगी। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये दोनों ही चिपसेट 5G की सपोर्ट के साथ आएंगे। अब अगर बात करें बैटरी की तो यहाँ पर हमें जो S21 में बैटरी देखने को मिलेगी वो होगी 4000 mAh की। और अगर बात करें S21 Plus की तो वहां पर हमें जो बैटरी देखने को मिलेगी वो होगी 4800 mAh की। और अगर बात करें S21 Ultra की तो वहां पर हमें जो बैटरी देखने को मिलेगी वो होगी 5000 mAh की। और उसके अलावा अगर बात करें फास्ट चार्जिंग की तो इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया कि हमें जो फास्ट चार्जिंग है वो कितने वॉट की देखने को मिलेगी, लेकिन मिनिमम हमें जो फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी वो होगी 25 वॉट की। और उसके अलावा रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा हमें Wi-Fi 6 की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी, लेकिन S21 Ultra में हमें Wi-Fi 6E की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और इसके बारे में Samsung ने अनाउंस किया है कि Wi-Fi 6E जो है वो Wi-Fi 6 से 2 गुना ज्यादा फास्ट है, और ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। अब अगर बात कर लीजिए कलर्स की तो यहाँ पर हमें जो S21 और S21 Plus है वहां पर हमें जो कलर्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन सेम होंगे, और उसमें हमें फैंटम व्हाइट, फैंटम ग्रे, फैंटम पिंक और फैंटम वॉलेट कलर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात कर लीजिए S21 Ultra की तो वहां पर हमें जो कलर्स देखने को मिलेंगे वो होंगे फैंटम ब्लैक और फैंटम ग्रे। मीन्स हर लिहाज से S21 Ultra को सेपरेट रखा गया है S21 और S21 Plus से, और इसको बहुत ही कमाल स्पेक्स के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में हमें फ्रंट और बैक साइड पर दोनों पर ग्लास देखने को मिलेगा, और बॉडी में भी हमें कहीं भी कोई होल देखने को नहीं मिलेगा कि जहां पर हम S Pen को प्लेस कर सकें। और उसके अलावा अगर S21 सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर ली जाए कैमरास की, तो कैमरे में हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलने वाला है वो होगा 108 मेगापिक्सल का, जो हमें S20 और Note 20 में 108 का मेन सेंसर देखने को मिला था, ये उसकी सेकंड जनरेशन होने वाली है। और उसके अलावा हमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। और टेलीफोटो लेंस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें दो टेलीफोटो
टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेंगे। एक होगा 3x ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस और दूसरा होगा 10x सुपर ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस। और यहाँ पर कोई भी हाइब्रिड टेलीफोटो लेंस को इंक्लूड नहीं किया गया। हमें जो दोनों टेलीफोटो लेंस देखने को मिले हैं वो ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हमें जो जूम भी देखने को मिलेगा वो हाइब्रिड नहीं बल्कि ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। और उसके अलावा ये जो टेलीफोटो लेंस है यहाँ पर हमें 12 पिक्सल ऑटो फोकस की सपोर्ट देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमें सारे के सारे कैमराज में 4K की सपोर्ट देखने को मिलेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ हमें मेन कैमरा में 4K की सपोर्ट देखने को मिलती थी जबकि S21 में हमें सारे कैमराज में 4K की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर हमें 8K की सपोर्ट 30 FPS में देखने को मिलेगी। और उसके अलावा नाइट मोड को मजीद इम्प्रूव किया गया है और उसके मैनुअल कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि आप उसे मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर एक और बहुत ही कमाल फीचर को इंक्लूड किया गया है जो कि है डिजिटल कार की का। अभी के लिए इस चीज को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये फीचर कौन से ब्रांड के लिए सपोर्टेड है। तो ये था S21 सीरीज के लीक्स एंड रूमर्स का ओवरव्यू। तो होप्स हो कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस और लाने वाला हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।